हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। बेटा फर्स्ट वी डिफाइन ट्रांसपोज। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स मैट्रिक्स द मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल बेटा एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया 1 2 3 4 5 6। किन्ने बाय किन्ने था बेटा? 2 बाय 3। इसका की आ गया बेटा ऑर्डर आ गया। ए बी एनी मैट्रिक्स, ठीक है। द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, ऑफ ए। आप उसको की बोलते हैं ट्रांसपोज। जो बेटा देखो ए ट्रांसपोज आप डैश ना भी पा दें बेटा, ए टी ना भी डिनोट कर दें, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। तो ये इसकी रो है बेटा, किस चेंज कर देनी है? कॉलम दे विच। फर्स्ट रो चेंज इन फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंज इन सेकंड कॉलम। सो किन्ने बाय किन्ने का मैट्रिक्स बन गया बेटा? 3 बाय 2 का। देन दिस वन इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके बेटा, सो ए सी बेटा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, रो चेंजिंग टू कॉलम, कॉलम चेंजिंग टू रोज, ठीक है बेटा। कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा इस दिया। फर्स्ट प्रॉपर्टी की है ए ट्रांसपोज द ट्रांसपोज इक्वल टू ए। देखो बेटा जी, इसका मैं दोबारा ट्रांसपोज करूंगा तो जिहड़ी ये कॉलम है रो है की बन जाएगी बेटा? कॉलम। जिहड़ी ये रो है ए भी की बन गई? कॉलम। ए भी की बन गई पुत्र? कॉलम। किन्ने बाय किन्ने दा आ गया? 2 बाय 3। किस दे इक्वल आ गया बेटा? ए दे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी की है बेटा ए ट्रांसपोज द ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी बेटा ए प्लस बी द ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ओके, ए प्लस बी द ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये बेटा देखो ए 1 2 0 1, बी 2 1 4 5। बेटा ए प्लस बी मैट्रिक्स 1 प्लस 2 2 प्लस 1 4 6। ओके, ए प्लस बी द ट्रांसपोज दिस वन इक्वल टू बेटा जी फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ए आ गया बेटा मेरे लेफ्ट हैंड साइड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज 1 2 0 1 पुत्र इस द ट्रांसपोज करता, बी ट्रांसपोज 2 1 4 5। सो दिस वन इक्वल टू 1 प्लस 2 4 2 प्लस 1 6। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बेटा। सिमिलरली माइनस। ओके, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी ए बी द ट्रांसपोज दिस वन इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ओके बेटा, ए बी द ट्रांसपोज इक्वल टू बेटा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सो 1 2 0 1 बेटा एक एग्जांपल रख ली बेटा मैंने, ए बी इन्हें मल्टीप्लीकेशन 1 2 0 1 2 1 1 1। ओके बेटा, सो मल्टीप्लीकेशन दिस दिस 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 2 0 प्लस 1 0 प्लस 1। देन ए बी द ट्रांसपोज दिस वन इक्वल टू 4 3 1 1। ओके, देन बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बेटा बी ट्रांसपोज 2 1 1 1, ए ट्रांसपोज 1 2 0 1 बेटा इज द ट्रांसपोज। मल्टीप्लाई दिस दिस 2 प्लस 2 4 1 3 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो बेटा वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, ए 1 2 1, बी 2 1 4। ओके बेटा, किन्ने बाय किन्ने का मैट्रिक्स है? दिस वन इज
3 by 1, 3 rows, 1 column. This one is 1 row, 3 column. बेटा ये वेरीफाई कर रहा है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल पेपर चाहिए नहीं बेटा है। ए बी दी मल्टीप्लिकेशन 1 2 1 2 1 4, सो बेटा ये 3 by 1 1 by 3, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन कितने बाय कितने दा बन गया बेटा 3 by 3, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर 2 ना बेटा 4 2 8 2 1 4, ओके बेटा ए बी दा ट्रांसपोज, इस दा ट्रांसपोज की आ गया बेटा रो चेंज इनटू कॉलम, सेकंड रो थर्ड रो, ओके राइट हैंड साइड बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज 2 1 4, बेटा बी ट्रांसपोज 3 by 1 बन गया, ए ट्रांसपोज 1 2 1 1 by 3, पुट मल्टीप्लिकेशन दिस 2 2 4 2, फिर 1 1 2 1 4 8 4, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो क्लियर है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 बेटा K A the transpose, K A transpose. What is K? K is any scalar. K की है बेटा कोई scalar दिता हुआ आपको। जो for example A, 1 2 0 1, okay. 3 A the transpose, left hand side K दी value में बेटा 3 रख ली। पहला 3 A, 3 into 1 2 0 1, so 3 6 0 3. 3 A the transpose, 3 6 बेटा the transpose 0 3, ओके राइट हैंड साइड 3 into A transpose, A transpose किया गया बेटा 1 2 0 1, सो 3 0 6 3, सो ऐसी बेटा अपनी मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज दी प्रॉपर्टीज। देन वी स्टार्ट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बेटा की स्टार्ट कर लगे मैं सिमेट्रिक एंड skew symmetric matrix. First definition of symmetric matrix, beta symmetric matrix ki apa definition kar lag gaya. Symmetric matrix, let A be any matrix, any A be scalar matrix, beta apa A nu symmetric matrix bolange. A is called, matrix A is called symmetric matrix number 1, ठीक है? A क्यों होना चाहिए बेटा? Square matrix होना चाहिए। किधर matrix होना चाहिए बेटा? Square. Second, Aij equal to Aji. जिधर Aij होना चाहिए बुत्तो किस देख करना चाहिए? Aji देख करना चाहिए। For example, A बेटा स्केयर मैट्रिक्स कंसीडर कर ले 3 by 3 दा, ए 1 2 ए 1 3, ए 2 1, ए 2 2, ए 2 3, ए 3 1, ए 3 2, ए 3 3, किन्ने बाय किन्ने दा बेटा 3 by 3 दा। सो फर्स्ट बेटा मैं क्या स्केयर मैट्रिक्स हो गए, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, मतलब ए 1 1 कोई भी एलिमेंट हो सकता है बेटा, ए आई जे, ए आई जे किस देख करना चाहिए बेटा? ए आई जे मींस ए 1 2 किस देख करना चाहिए बेटा? ए 2 1, जे बेटा 4 है, दिस वन इज आल्सो 4, ए 1 3 इक्वल टू ए 3 1, बेटा एनी एलिमेंट कोई भी होगी कोई प्रॉब्लम 6, बट If this one is 7, then A32 भी की होगे बेटा 7. So बेटा इस matrix में की बोल दें बेटा symmetric matrix means A12 A21 दे, A13 A31 दे, A23 A32 दे की होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। इस matrix में की बोल दें बेटा पस symmetric matrix. Clear है बेटा symmetric matrix.
ओके बेटा किसकी कंडीशन है, ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, जे ए ट्रांसपोज ए दे इक्वल होंदा पुत्ते दा ट्रांसपोज करियो ए दा ट्रांसपोज की आ गया बेटा 2 4 5 4 6 7 5 7 8, यू सी दिस वन इज आल्सो इक्वल टू ए, सो दिस वन इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो बेटा ए की हो गया पहले भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कंडीशन क्या आ गई बेटा इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए देन वी से ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ, ओके मींस जे ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए देन वी से ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके ए सी बेटा पहले भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स मींस बेटा जो अपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स एग्जाम्पल करांगे बेटा उसके विच की है बेटा जिसनों अपने मान लो ए बी नू सिमेट्रिक प्रूव करना है बेटा टू प्रूव ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब बेटा आप लगावांगे डेफिनेशन जब बेटा आप देखांगे देखो ए बी नू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो आप की प्रूव करांगे पुत्तर ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी, देखो ए सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इफ ए बी सिमेट्रिक प्रूव करना है तो ए बी का ट्रांसपोज किस दे इक्वल होना चाहिए बेटा ए बी, ओके जे फॉर एग्जाम्पल लेट ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव दैट जिहड़े इन्हां दी प्रोडक्ट है ए बी इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब क्वेश्चन आ गया बेटा ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपने की प्रूव करने ए बी इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके देन ए सिमेट्रिक सो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी सिमेट्रिक बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, ओके अपने की प्रूव करने ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए बी इक्वल टू बी, बेटा अपन ए बी कि इक्वल दिता है बी ए इक्वल गिवन है द्वारा तो ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू बी ए अपने की प्रूव करना है ए बी इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके हुन गिवन की है पुत्ता अपन नंबर वन ए बी कि इक्वल गिवन है बी ए की दिता हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स सो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, बी की दिता है सिमेट्रिक बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी अपने की प्रूव करना है पुत ए बी नू की प्रूव करना है अपने सिमेट्रिक प्रूव करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो जे ए बी नू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो मेरा टारगेट की है पुत टू प्रूव ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी प्रूव करना है, ओके लेफ्ट हैंड साइड ए बी दा ट्रांसपोज बेटा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज ए बी ए कि इक्वल है बेटा ए बी, सो लैफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो आप कहोंगे बेटा ए बी की है बेटा पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके बेटा सेकेंड एग्जाम्पल ए वी एनी स्केल मैट्रिक्स, ठीक है बेटा एक एग्जाम्पल करवा रहे हैं बेटा इसकी अपन गिवन की है बेटा ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा ए इज एनी ए की दिता बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपने की प्रूव करना बेटा बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक अपने प्रूव करना है बी ट्रांसपोज ए बी की है बेटा सिमेट्रिक है, सो बेटा बेटा मेरा टारगेट की होएगा जिनमें सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसका ट्रांसपोज
बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी दे इक्वल होना चाहिए। सो लेफ्ट हैंड साइड बेटा बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, ओके प्रॉपर्टी बेटा सेकंड जो ए बी का ट्रांसपोज की लिख दी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सो की लिखांगे बेटा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज द ट्रांसपोज। बेटा जी फर्स्ट प्रॉपर्टी बड़ी सी ए ट्रांसपोज द ट्रांसपोज किस दे इक्वल सी ए दे, अपन गिवन की है पुत्र ए की है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो ए ट्रांसपोज किस दे इक्वल आ गया ए, सो दिस वन इज राइट हैंड साइड। ओके बेटा हम स्टार्ट कर लगे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, की करना है बेटा अपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक, अपन इस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स नु की बोलांगे इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक नंबर वन। जिहड़ा ए होना चाहिए पुत्तो की होना चाहिए स्केयर मैट्रिक्स, सेकंड ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, ओके एंड डायगनल एलिमेंट मस्ट बी जीरो। जिहड़े उसके डायगनल एलिमेंट्स होंगे तो देखियो एक स्केयर मैट्रिक्स रख लिया मैं थ्री बाय थ्री का ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री, किन्ने बाय किन्ने रख लिया बेटा थ्री बाय थ्री का, ओके जिहड़े इसके डायगनल एलीमेंट है बेटा यू सीन डायगनल एलीमेंट्स आई इक्वल टू जे पुट आई इक्वल टू जे ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई टू ए आई आई इक्वल टू जीरो ए आई आई किस दे इक्वल आ गया जीरो, मीन्स डायगनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट ए वन टू इक्वल टू माइनस ए टू वन, देखिए बेटा डायगनल एलिमेंट जीरो, जे ए टू वन मैं टू रखे बेटा तो ए वन टू कितना होगा माइनस टू टाइम बोथ इक्वल, ओके ए थ्री वन जे मैं फोर रख लिया दिस वन इज माइनस फोर दिस वन इज जीरो दिस वन इज फाइव दिस वन इज ए माइनस फाइव, ओके दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नंबर वन स्केयर मैट्रिक्स, नंबर टू ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई एंड डायगनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। ओके बेटा इसकी कंडीशन ए स्क्यू सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, मीन्स जे ए स्क्यू सिमेट्रिक होएगा तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, जे ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए देन ए स्क्यू सिमेट्रिक, यू चेक ए ट्रांसपोज जीरो टू फोर माइनस टू जीरो फाइव माइनस फोर माइनस फाइव जीरो, ओके देन माइनस ए जीरो टू फोर माइनस टू जीरो फाइव माइनस फोर माइनस फाइव जीरो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ओके सो दिस मैट्रिक्स कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके कुछ एग्जांपल्स बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, फाइंड एक्स अपने एक्स की वैल्यू करनी है बेटा ए, ओके जीरो माइनस वन वन माइनस टू माइनस वन जीरो थ्री एक्स माइनस थ्री जीरो, ठीक है इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
skew symmetric matrix. Okay beta. So you know beta A13 A की है बेटा A13 किस दे इक्वल होएगा बेटा A माइनस A31 देखो A13 इक्वल टू माइनस A31 ओके क्लियर है बेटा पॉइंट. सो A13 कितना बेटा माइनस टू माइनस एक्स. सो एक्स की वैल्यू की आ गई बेटा टू. क्लियर है बेटा पॉइंट. नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट की है अपन क्वेश्चन फाइंड के सच दैट 2k+3 1-1 2-2 0-4-4 0 इज स्क्यू सिमेट्रिक. यू नो बेटा डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0 2k+3 0 सो k की वैल्यू -3/2 ओके बेटा एग्जांपल्स और बेटा इस दिन A is skew symmetric. अपने की प्रूव करना है बेटा B ट्रांसपोज A B is skew symmetric. ओके प्रूव करना है. सो बेटा देखो मैं क्या सी जे मान लो अपने skew symmetric प्रूव करना है तो A दा ट्रांसपोज माइनस A दे इक्वल होना चाहिए. जे मैं skew symmetric प्रूव करना है तो की शो करूं पुत्र इज द ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस B ट्रांसपोज A B दे इक्वल होना चाहिए. ओके बेटा ए ट्रांसपोज माइनस ए था दिस वन ट्रांसपोज इक्वल टू दिस लेफ्ट हैंड साइड बी ट्रांसपोज ए बी द ट्रांसपोज दिस वन इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज द ट्रांसपोज. बेटा ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज माइनस ए सो माइनस बी ट्रांसपोज ए बी दिस वन इज ए राइट हैंड साइड. ओके सो बेटा नेक्स्ट रिजल्ट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था बेटा प्रूव दैट एवरी स्केयर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली can be uniquely expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. beta apne ki prove karna hai be every square matrix can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix. Let A be any square matrix. Okay. We write A no. 1/2 into 2. Likh sakte hain beta 2 na multiply 2 na divide. A+A. We add A+A transpose. Main plus karta beta. A transpose minus. So 1/2 A+A transpose 1/2 A-A transpose वी से इसनु P बेटा इसनु की कंसीडर कर ले क्यों अपने की प्रूव करना है एवरी स्केयर मैट्रिक्स यूनिकली बाच बेटा सम है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब मैं एक नु सिमेट्रिक एक नु की प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है बेटा जो सिमेट्रिक प्रूव करना है मतलब P नु मैं सिमेट्रिक प्रूव करना है तो की शो करना है P नु मान लो मैं प्रूव कर लग गया सिमेट्रिक तो की प्रूव करूं पुत्र P ट्रांसपोज इक्वल टू P P किस दे इक्वल है 1/2 A+A transpose सो मैं P ट्रांसपोज कर ले बेटा यही प्रूव करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक A+A transpose द ट्रांसपोज A transpose द ट्रांसपोज 1/2 A transpose + A दिस वन इक्वल टू P. ओके हम क्यों मैं स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है क्यों की प्रूव करना है बेटा मैं स्क्यू सिमेट्रिक इसलिए की प्रूव करा बेटा Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस Q.
ਸੋ ਕਿਉ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਬੇਟਾ 1 ਬਾਈ 2 a ਮਾਈਨਸ a ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਿਉ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਜ਼ 1 बाय 2 ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज द ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए बेटा माइनस मैं कॉमन कर लिया ए माइनस ए ट्रांसपोज दिस वन इक्वल टू माइनस के सो बेटा ई सिमेट्रिक आ गया क्योंकि आ गया स्क्यू सिमेट्रिक क्योंकि आ गया स्क्यू सिमेट्रिक ये तो प्रूव करता बेटा हूं मैं की प्रूव करना यूनिकली इन्हें एक वन वे ना लिख सकता है बेटा मैं और एक ही लिखा बेटा a किस दे इक्वल है p प्लस q लेट मैं इनू ले लिया बेटा r प्लस s व्हाट इज r r सिमेट्रिक s की है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक क्लियर है बेटा पॉइंट मैं प्रूव करना इस नु सिर्फ यूनिकली एक वे ना लिख सकते हैं और कोई वे नहीं है लिखने का मैं की कर लिया बेटा इनू r प्लस s एक और मैट्रिक्स का सम ले लिया ए सिमेट्रिक है ए स्क्यू सिमेट्रिक का सम भी किदे इक्वल आ रहा बेटा a दे मैंने की प्रूव करना बतूरे P इक्वल टू आर क्यू इक्वल टू एस बिकॉज अपने शो करना है भी अपने लवे सिर्फ वन वे ही है भी P प्लस क्यू का सम ही यह बनूगा और R प्लस एस का जरा सम है R सिमेट्रिक S स्क्यू सिमेट्रिक का सम यह नहीं बनता है जे ये बनता है तो P ते R ते Q ते S की है बेटा इक्वल होंगे सो आप ये प्रूव कर लगे हैं सो देखियो बेटा A किस दे इक्वल है रखे मैंने R प्लस S a ट्रांसपोज r ट्रांसपोज प्लस s ट्रांसपोज बेटा s ट्रांसपोज किस दे इक्वल है माइनस s रीजन s की है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक r माइनस s सो फर्स्ट सेकंड a प्लस a ट्रांसपोज किस दे इक्वल आ गया पुत्र 2 r 1 बाय 2 a प्लस a ट्रांसपोज किस दे इक्वल आ गया r a प्लस a ट्रांसपोज किस दे इक्वल सी पुत्र p तो p किस दे इक्वल आ गया r सिमिलरली क्यों जो आप सबट्रैक्शन करा क्यों किस दे इक्वल आ जाएगा बेटा एस सो बेटा अपलवे बेटा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट यूजिंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सो थैंक यू वेरी मच बेटा